हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। UPNHM नई भर्ती 2024। दोस्तों, UPNHM कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र की तरफ से 18 पदों पर मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, EMO, इसके अलावा वेरियस प्रोग्राम में दोस्तों वेरियस पोजीशन पर भर्ती आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम है और बहुत सारे पोजीशन है, और यह UPNHM कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र जिला से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ मिलने वाली है। आप लोग जो हैं 15 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू होगा, और उसके बाद दोस्तों जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की जो डेट है अभी बताई नहीं गई है। अभी आप लोग 15 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू की जो जानकारी है ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और बस इसी इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। UPNHM के अंतर्गत यह वैकेंसी सोनभद्र से निकाली गई है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए वैकेंसी है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, स्पेशलिस्ट की वैकेंसी, लेडी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी और EMO की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अमर उजाला में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ई पेपर एंड अन्य न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए यह फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। साथ ही सोनभद्र की ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर हो चुका है? जी हाँ, आप लोग सबसे पहले देखिए पेज नंबर 6, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 6, दैनिक जागरण लखनऊ 28 जुलाई 2024। क्लियर हो चुका है? यहाँ पे देख लो, लखनऊ जागरण, दैनिक जागरण लखनऊ 28 जुलाई 2024, और पेज नंबर 6 पर यह नोटिफिकेशन जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे पब्लिश किया गया है, आप लोग देख सकते हो। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र से वैकेंसी है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम है, पोस्ट नेम दिया गया है, क्वालिफिकेशंस है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, कैटेगरी दी गई है और मंथली सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है, ये आप लोग देख सकते हो। 15 अगस्त तक यहाँ पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए डिटेल्स में जो है इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरी कटिंग यहाँ पे ले रखी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 6132 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में दिनांक 8 जनवरी 2024 को जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय से अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर चिकित्सक MBBS संविदा की नियुक्ति वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जानी है। उक्त पदों पर मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राप्त DAHP 2023 से 2024 के अनुरूप है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 हेतु नवीन दिशा निर्देश DAHP प्राप्त होने के बाद वित्तीय दिशा निर्देशानुसार मानदेय में बढ़ोतरी एवं कटौती की जा सकती है। कुल रिक्त पदों जिस हेतु आवेदन किया जाना है इसका डिटेल्स निम्नवत है। यहाँ पर देखिए, वैकेंट पोजीशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर MBBS अंडर NHM एंड NUHM डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। तो यहाँ पे आरबीएसके DEIC में मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, एक वैकेंसी UR कैटेगरी में है, 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें MBBS फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल फ्रेशर। CP टेलीमेडिसिन की यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, 3 वैकेंसी है, 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें भी MBBS फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही UP मेडिकल काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो UPMC यानी कि UP मेडिकल काउंसिल में जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। बाकी NUHM में देखोगे मेडिकल ऑफिसर की 5 वैकेंसी,
और फिर यहाँ पर देखिए मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी, और फिर मेडिकल ऑफिसर अर्बन पीएचसी में जो है मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे NUHM में जो है 7 वैकेंसी है। इसमें देखोगे तो ये जो मेडिकल ऑफिसर है इसमें जो फाइनेंस है, फाइनेंस मेडिकल ऑफिसर में 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी और PBI बोनस जो कि आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। टोटल 1,00,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी, लेकिन इसमें 20,000 रुपये PBI दिया जाएगा और जो सैलरी रहेगी 80,000 80,000 रुपये रहेगी। बाकी जो मेडिकल ऑफिसर अर्बन PHC है इसमें 55,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 20,000 रुपये PBI बोनस दिया जाएगा। नंबर 4 देखिए DHS। अब DHS में देखिए तो EMO HDU की जो है वैकेंसी है, और इसमें EMO में देखोगे तो MBBS बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं, 2 वैकेंसी, 1,00,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर ट्रामा सेंटर में जो है मेडिकल ऑफिसर की 2 वैकेंसी, 1,00,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, इसमें भी MBBS फॉर्म भर सकते हैं। ब्लड बैंक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, MBBS फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी प्रोग्राम में सभी पोजीशन में एक ही क्वालिफिकेशन है, MBBS बिल्कुल फ्रेशर भर सकते हैं। ब्लड बैंक में मेडिकल ऑफिसर को 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी, एक वैकेंसी। मैटरनल हेल्थ में लेडी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी 65 से लेकर 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और NRC डिपार्टमेंट, NRC प्रोग्राम में जो है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, MBBS फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल फ्रेशर, एक वैकेंसी। 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 15,000 रुपये इसमें देखिए टोटल 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से 45,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 15,000 रुपये आपकी PBI बोनस रहेगा। टोटल 60,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना बताया गया है, अभ्यर्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र में विज्ञापित प्रकाशन से दिनांक 15 अगस्त 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट राम जानकी मंदिर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र पिन कोड 231216 पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तदुपरांत जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन लेकर वॉक इन इंटरव्यू हेतु आप समस्त को ईमेल टेलीफोन के माध्यम से निर्धारित तिथि व स्थान अवगत करा दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू के समय नवीनतम बायोडाटा, समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन 2 नवीनतम कलर फोटोग्राफ तथा वांछित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों के एक सेट के साथ है साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं। और भी कुछ बेसिक जानकारी है, यह पूर्णतया नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। साक्षात्कार हेतु किसी का यात्रा किसी भी साक्षात्कार हेतु किसी का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी की जो आयु है विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और इसके बाद फिर आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू की जानकारी ईमेल के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से बताया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसी बेस पर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।